नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीलता। आज जो है हमारा जो बीएड सेकंड ईयर का हमारा पेपर नंबर है, साथ इसमें जो है क्यूरिकुलम जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्यूरिकुलम पे हमारा चल रहा है। इससे पहले दो वीडियोज हम इसमें कर चुके हैं, आज हम तीसरा इसमें ले रहे हैं कि मेन जो बेसिस ऑफ द क्यूरिकुलम है वो कौन कौन से हैं, है ना। तो जो बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम है, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा बच्चा है या जो हमारा बालक है, वो बालक क्या है, आने वाला जो हमारा देश का भविष्य है उसका जो है एक मेन सूत्रधार है, मेन आधार है, है ना। क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो कल का क्या है, कल का वो आने वाले समय का क्या है, निर्माता है, राष्ट्र का निर्माता है, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माता अब किस प्रकार से बना जाए, बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, ठीक है, और किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए। जब क्यूरिकुलम हम बनाते हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे सामने यहाँ पर अराइज होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें जो है वो क्यूरिकुलम को बनाते समय काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कुछ एक जो है बेसिक हमें आधार ध्यान में रखने होते हैं कि जिन आधार पर काम करके शिक्षा के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा करें, मेन जो हमारे एम्स हैं टीचिंग के उनको हम पूरा करें, ताकि जो हमारे आने वाले समय का जो निर्माता है वो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हम कर सकें। बच्चे के सर्वांगीण विकास हम करने में क्यूरिकुलम हमारी काफ़ी मदद करता है, जिसमें कि बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, हर फील्ड का जो विकास है वो हम क्यूरिकुलम में जो है इस प्रकार से बनाते हैं कि हर फील्ड का बच्चे का जो विकास हो, कोई भी फील्ड जो उसके व्यक्तित्व का है, उसकी पर्सनैलिटी का है, वो इससे अछूता ना रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने कल जो है इसका मीनिंग कर लिया था कि क्यूरिकुलम का अर्थ क्या होता है, ठीक है, इसकी नीड भी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो है वो हम बेसिस की बात कर रहे हैं। तो बेसिस वैसे तो देखा जाए बेसिस बहुत सारे हैं इसके, पर मेनली जो है वो चार बेसिस को लेकर के ये काम करता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा आता है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम। अब हमारा जो आज तक का क्यूरिकुलम है स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो बहुत सारे फिलोसफीज हमारे इंडिया के अंदर हुई हैं जिन्होंने हमारे क्यूरिकुलम को बहुत अधिक प्रभावित किया है, समय समय पर अनेक विचारधाराएं आई और उन्हीं के आधार पर जो है हमारा क्यूरिकुलम हमने बनाने का प्रयास किया, जो जिस समय की मांग थी उस समय के अकॉर्डिंग को जो हमारी विचारधाराएं हैं उन्होंने अपना अपना जो है वो व्यूज दिए और अपना अपना महत्व उनका सबका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें अब देखिए बात, जो दार्शनिक आधार की अगर हम फिलोसफिकल आधार की जो बात करते हैं, तो जो इसके अंदर क्या है, जो फिलोसफिकल बेसिस है उसके अंदर हमारा आदर्शवाद भी आता है, यथार्थवाद भी आता है, प्रयोजनवाद भी आता है, प्रकृतिवाद भी आता है, है ना। तो ये विभिन्न क्या है, ये विभिन्न विचारधाराएं हैं जिन जो कि क्या है क्यूरिकुलम के आधार का काम करती हैं। अब हम जब आदर्शवाद की बात करते हैं यहाँ पर फिलोसफी के अंदर, तो जो आदर्शवादी हैं वो क्या कहते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका जो रवैया है या जो शिक्षा का मेन काम है वो क्या है, व्यक्ति का भावात्मक विकास करना, व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास करना और व्यक्ति का जो क्या है क्रियात्मक विकास करना। जो डोमेन, थ्री डोमेन्स की हम जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं कि जो हम जो डोमेन विकसित करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, तो आदर्शवादी क्या है, आदर्शवादी इसी फील्ड पर काम करते हैं। वे बच्चे को जो है वो भावात्मक रूप से भी वो अच्छा बनाना चाहते हैं, क्रियात्मक भी उसको बनाना चाहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति जो जीवन का उद्देश्य है वो चाहते हैं, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर हम क्यूरिकुलम की बात कर रहे हैं, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उसके साथ ही साथ क्या है आपका जो है ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसकी पूर्ति के लिए जो हम क्या करते हैं, बच्चे को सामने एक ऐसा आदर्शवादी पाठ्यक्रम बनाते हैं जो कि क्या है विचार प्रधान हो, क्योंकि जो आदर्शवाद है वो मेनली किस प्रिंसिपल पर काम करता है, आइडियाज पर काम करता है। आदर्शवाद के सामने सबसे बड़ी जो मेन महत्वपूर्ण चीज है वो हम व्यक्ति के विचार ही है, कि व्यक्ति जिस प्रकार के विचार रखता है वो जो विचार है जो वही उसका सब कुछ है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं हम आदर्शवादी कहते हैं कि हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। और सत्यम शिवम सुंदरम उनके जो जीवन का जो उद्देश्य व्यक्ति का होना चाहिए, ऐसा आदर्शवादियों ने कहा है। और वो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करे, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करे और जो जीवन का मेन उद्देश्य है क्या है, परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति,
ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति पर अध्यात्म जो आदर्शवादी हैं वो बहुत बल देते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो बच्चा है वो कहता है कि 5 वर्ष तक की आयु का बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको जो हम किसी भी प्रकार से जो है वो कंपलसरी अभ्यास नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि क्या है, छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा कितना होता है, 5 साल का बच्चा स्कूल तो जाने लगता है, लेकिन हम अगर उस पर कुछ प्रैक्टिस के लिए दबाव बनाते हैं तो वो मेंटली उस चीज के लिए क्या है, प्रिपेयर नहीं होता है और फिजिकली भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब बच्चा है वो 5 से 7 साल की अवस्था तक आ जाता है तो वहां पर हम बच्चे को कुछ विषय पढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा कुछ एक गणित के टर्म्स हो गई, कुछ इंग्लिश की हो गई, कुछ हिंदी की हो गई, कुछ मैथमेटिक्स की हो गई, है ना, और उसके साथ साथ क्या है, इतिहास, भूगोल, साहित्य, ये जो चीजें हैं ये व्यक्ति का जो मानसिक क्षेत्र है उसको डेवलप करती हैं और ये चीजें हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो सौंदर्यात्मक क्षेत्र के अंदर क्या है, जैसे आपकी कला से संबंधित कविताएं हो गई छोटी मोटी, है ना, जैसे छोटी कक्षाओं के अंदर अगर हम देखेंगे तो बच्चे को क्या है, हम पोइम्स पढ़ाते हुए देखते हैं, हम छोटे बच्चे जहाँ भी हमें मिलते हैं हम पूछते हैं कि हाँ बच्चे पोइम सुनाओगे, है ना, तो वो किस लिए है, क्योंकि बच्चे क्या है कल्पना लोक में रहते हैं, छोटा बच्चा जो है वो क्या है कल्पना लोक में रहता है, और जब कल्पनाओं के माध्यम से क्या है, जैसे परियों की कहानी हो गई, है ना, सुंदरियों की कहानी होगी, देवी देवताओं की कहानी होगी, इसी प्रकार से जीव जंतु हैं जैसे मछली है, मेंढक है, कबूतर है, इस प्रकार से कहानियां बच्चे जो है कल्पना लोक में खोए रहते हैं कल्पनाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो इस प्रकार का जो शिक्षण है वो बच्चे को दिया जा सकता है आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग। फिर जो है ये बात करते हैं नैतिक क्षेत्र की, कि नैतिक क्षेत्र के अंदर भी बच्चे के अंदर हम कुछ गुण जो है वो कुछ मेन डोमेन जो हम बच्चे के अंदर विकसित कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे बच्चा जो है वो धर्म को फॉलो करे, तत्वमीमांसा से संबंधित छोटी मोटी चीजें उसको सिखाई जा सकती हैं, और नैतिक शास्त्र के जो बेसिक रूल्स हैं छोटे मोटे, ज्यादा इस लेवल पर बच्चे को हम नहीं करवा सकते क्योंकि 5 से 7 साल का बच्चा जो है वो बिल्कुल ही एक कोरी स्लेट की तरह ही होता है, जिस पर की क्या है हम जिस प्रकार की छाप छोड़ना चाहें उस पर हम प्रयास कर सकते हैं वहां पर। तो ये चीजें हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं ताकि जो क्रियाओं के माध्यम से क्या है बच्चे का मानसिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक पहलू तीनों पर जो है तीनों से संबंधित होता है, तो हम बच्चे को इन क्रियाओं के माध्यम से कुछ ना कुछ उसको काम हम देना शुरू कर सकते हैं। फिर अगर हम प्रकृतिवादियों की बात करें तो जो फिलोसफी है हमारी वो हमारी जो है वो क्या है वो नेचरलिज्म पर भी बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतिवादी जैसे मेनली रूसो थे, तो रूसो ने क्या कहा था कि रूसो महोदय ने कहा था कि प्रकृति ही है जो कि संसार के अंदर सब कुछ है, भगवान ने प्रकृति को बनाया है, प्रकृति ने हम सबको बनाया है, हम प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं और फिर उसी मिट्टी में ही हम मिल जाते हैं। उन्होंने तो जो नेगेटिव एजुकेशन को भी कंसेप्ट दिया, उन्होंने ये भी कहा कि जो शिक्षा है वो जो क्या है किताबों के माध्यम से ना दे करके, हम बच्चे को बुक्स के माध्यम से ना कर दे करके प्रकृति की गोद में बच्चे को डालें और प्राकृतिक तरीके से ही हम बच्चे को पढ़ाएं, ऐसे उनके कंसेप्ट थे। तो ये जो आदर्श है, ये जो विचारधारा है प्रकृतिवाद की, और इसके अंदर एक खास बात ये है कि जो प्रकृतिवादी है वो क्या है वो चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी पर काम करते हैं, तो जो हमारा फिलोसफिकल बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम है तो वहां पर हमें प्रकृतिवाद से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम उनको भी ध्यान में रख करके बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग बच्चे को शिक्षा दें, बच्चे की अभिरुचि है, रुचि है, उसका जो काम करने का उसका एफिशिएंसी है, काम करने की योग्यता उसकी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चे क्यूरिकुलम इस तरह का बनाएं ताकि बच्चा जो है वो इन चीजों को इजिली कर जाए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर लेकर चलते हैं यथार्थवादियों की बात हम करते हैं कि जो हमारा क्यूरिकुलम है वो आदर्शवादियों की विचारधारा से प्रभावित भी होना चाहिए, प्रकृतिवाद पर भी आधारित होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ क्या है वो प्रयोगवाद और यथार्थवाद, इन चीजों का समावेश भी क्या है हमारे फिलोसफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से होना चाहिए, क्योंकि जो चीजें प्रयोगवादी क्या कहते हैं कि जो चीजें प्रयोग में है वही चीजें केवल सत्य है, जो चीजें प्रयोग में नहीं है वो सत्य नहीं है। तो जो प्रयोगवाद है उसका भी हम व्यवहारिक चीजों के साथ अगर जोड़ें तो जो हमारा यथार्थवाद है वो क्या कहता है वो अनुभव के साथ इन चीजों को जोड़ता है, कि जो अनुभव है व्यक्ति का वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब हम किसी भी चीज को सुनते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं अपनी सेंस ऑर्गन से, प्रैक्टिकली जब हम उसी काम को करते हैं तो वो जो हमारा अनुभव है वो क्या है स्थायी होता है और वो व्यवहारिक भी होता है और हमारे आने वाले समय में हमारा काफी जो है वो मार्गदर्शन करता है। तो जो फिलोसफिकल बेसिस की जहां हम बात करें वहां पर क्या है, वहां पर जो है हम यथार्थवादियों की भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम क्यूरिकुलम के अंदर डालते हैं।
अब इसमें जो है मेनली जब हम प्रयोगवाद की जब मेनली हमने क्या है जो रूसो की जब हम प्रकृतिवाद की बात कर रहे थे तो प्रकृतिवाद ने मनोवैज्ञानिक आधार को भी माना था कि जो बच्चा है वो क्या है 1 से 5 साल का जो बच्चा है वो क्या है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विचरण करे, उसे किसी प्रकार से ना पढ़ाया जाए। फिर उन्होंने 5 से 12 साल में भी कहा था कि 5 से 12 साल जो है वहां पर क्या है थोड़ा बहुत वो लिखना और पढ़ना स्टार्ट करे। अब 12 साल के बाद 12 से 16 साल की बात आती है तो वो कहते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है जो भाषा विज्ञान है ठीक है भौतिक विज्ञान होगी भाषा विज्ञान होगी इसके साथ साथ क्या है जो ललित कला है जो ललित क्रियाएं हैं सौंदर्य से संबंधित क्रियाएं हैं लेखन कलाएं हैं म्यूजिक है इन चीजों को भी हम इसके अंदर शामिल करें। और उसके बाद जो 16 वर्ष से उस ऊपर की अवस्था है जिसको 16 अवस्था से बाद की अवस्था कहते हैं वहां पर बच्चे को क्या है हम वहां पर बच्चे को शारीरिक शिक्षा दे सकते हैं नैतिक शिक्षा दे सकते हैं सौंदर्यात्मक शिक्षा दे सकते हैं इसके अलावा आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं इतिहास की शिक्षा दे सकते हैं और लिंग संबंधी शिक्षा है वो दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि जो इस आधार पर जो है वो पाठ्यक्रम क्या है हमारा आदर्शवाद की विचारधारा भी उसमें शामिल होगी प्रकृतिवाद की भी शामिल होगी और प्रयोगवादी जो है वो भी क्यूरिकुलम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम की बात करते हैं। देखिए सोशियोलॉजी क्या है सर स्टूडेंट्स की जब हम क्या करते हैं व्यक्ति क्या है समाज का एक हिस्सा है और बच्चा क्या है बच्चा जो आने वाला समय है उसके लिए कर्णधार का काम करेगा। तो जो समाज का एक मुख्य व्यक्ति क्या है समाज का एक मुख्य जो सेंटर है वो क्या है बच्चा है ना। तो बच्चे को हमने किस प्रकार से पढ़ाना है वर्तमान के अंदर जिस हम शिक्षण प्रणाली का में जो बच्चे को क्या है बच्चे को फोकस करके जो है हर चीज को लागू कर रहे हैं चाहे वो हमारा क्यूरिकुलम है टीचिंग मेथड है ना टीचिंग मेथड्स के अलावा भी जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं वोकेशनल है जो कुछ भी चीजें हम नई क्यूरिकुलम के अंदर लेकर आ रहे हैं सारी की सारी वो बच्चे के आधार पर ही है। और क्या है तो इसमें हम कहते हैं कि जो व्यक्ति के जो व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति के जो दायित्व है वो भी क्या है वो भी इस प्रकार के होने चाहिए ताकि जो है हम समाज की भलाई के लिए काम कर सके सामाजिक दायित्वों का जो है वो हम निर्वहन कर सके। तो शिक्षा में क्या है उन तथ्यों का हमने समावेश हमें करना चाहिए जिससे कि क्या है जो हम बच्चे को पढ़ाएं देश के लिए एक कुशल नागरिक के रूप में बच्चा पैदा हो और एक कुशल नागरिक देश का है तो वो जो आने वाला देश का भविष्य है वो भी क्या होगा वो भी सकुशल होगा अच्छा होगा देश समृद्ध होगा जब हमारे जो विद्यार्थी हैं सारे पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सामाजिक शिक्षा दी जाए ठीक है। और समाज के अंदर किन चीज़ों की आवश्यकता है किन चीज़ों की निर्माण की आवश्यकता है किन चीज़ों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है उन चीज़ों पर हम फोकस करें और इन चीज़ों को क्यूरिकुलम के अंदर हम डालें तो वो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दी क्यूरिकुलम के अंतर्गत आ गया जिसमें कि क्या है हमने मेनली यही किया कि जो चीज़ें समाज के लिए उपयोगी हैं हम क्यूरिकुलम के अंतर्गत वही चीज़ें शामिल करें। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम में क्या है मेनली हमने इनको 4 चीज़ों को यहाँ पर डाला है। पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज पर हमने इसको काम किया इसमें फिर हमने जो है वो जो सेंसरी मोटर स्टेज है स्टूडेंट्स ये 0 से 2 साल का समय जो है वो इसमें होता है बच्चे के पास जिसको कि हम सेंसरी मोटर स्टेज का नाम देते हैं। फिर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है वो इस अवस्था को बांटते हैं जिसका समय जो क्या है 3 से 8 वर्ष रहता है। उसके बाद जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम लेते हैं जिसका समय क्या रहता है हमारा जिसका जो हमारा समय है वो रहता है 9 से 13 वर्ष। और उसके बाद हम फॉर्मल स्टेज को लेते हैं तो फॉर्मल स्टेज का जो समय है वो है हमारा अबोधन 14 या 14 साल के बाद का समय है। तो जो मनोवैज्ञानिक आधार है देखिए मनोवैज्ञानिक आधार पर जब हम अपनी अवस्थाओं को बांटते हैं तो ये अपने आप में बहुत अधिक क्या इफेक्टिव हो जाता है कि हमने किस उम्र के बच्चे को क्या शिक्षा देनी है बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो है वो ये स्टेप है हमारा क्योंकि जो बच्चे को हम शिक्षा वही देंगे जो जहां तक उस बच्चे का क्या होगा उसका विकास हुआ होगा है ना। जो 0 से 2 साल का जो बच्चा है या जो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो कितना विकसित होता है कि हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षा दें कि 0 से 2 साल का बच्चा तो बिल्कुल ही छोटा बच्चा होता है तो उस समय में अगर हम बच्चे को शिक्षण कार्य दें तो ये क्या पॉसिबल है ना। तो इस आधार पर भी हम बच्चे का ध्यान रखें। फिर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं जिसमें क्या है जो 3 से 8 साल का बच्चा है तो इस उम्र का जो बच्चा है या इस आयु वर्ग का जो बच्चा है उसको क्या है हम स्कूल में भेज सकते हैं और स्कूल में क्या है उन्हें हम किस प्रकार से जो है वो क्या पढ़ा सकते हैं
कि हम जो है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको नेचर की गोद में रखें, उसको एक हल्का फुल्का एनवायरनमेंट दें जिससे कि वो अपना शिक्षण कार्य शुरू कर सके। उसे उसे जो है वो पढ़ाने के लिए क्या है यथार्थ की जो चीज़ें हैं उनसे हम जो है वो उसको बताएं कि हाँ यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों को बच्चों को हम पढ़ाया जा सकता है जो उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, ना कि उन पर थोपा जाए कोई भी सब्जेक्ट, क्योंकि इस उम्र का बच्चा क्या है छोटा होता है 3 साल से 8 साल का बच्चा। फिर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं 9 से 13 साल का बच्चा, ठीक है। इस स्टेज के अंदर क्या है, इस स्टेज के ऊपर इसमें जो बच्चे हैं वो क्या है थोड़े से बड़े हो गए होते हैं और जो युवा अवस्था से पहले की ये अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ा थोड़ा क्या है बच्चा सोचने भी लगता है, मनन भी करने लगता है, लेकिन पूरी तरह से वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। तो इस लेवल का जो बच्चा है वो क्या है थोड़ा सा विरोधी स्वभाव का भी हो जाता है, क्योंकि वो ना ही तो बड़ा होता है ना ही छोटा होता है, एक द्वंद्वात्मक सी अवस्था उसके बीच के बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है क्यूरिकुलम में हमें इस प्रकार के बच्चे को भी, सही वर्ग के बच्चे को भी किस प्रकार से पढ़ाना है इनका भी ध्यान रखना होता है। और क्या है, फिर हम फॉर्मल स्टेज की बात करते हैं। फॉर्मल का मतलब औपचारिक हो गया कि जो बच्चा 14 साल से बड़ा हो गया, इट मीन्स क्या है कि वो बाल्यावस्था से निकल गया, संवेगों से भी वो निकल गया। 14 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत समझदार होना शुरू हो जाता है, उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करनी आ जाती है ना। इससे पहले की अवस्था को जो क्या है हमने जो है किशोरावस्था को किसी किस नाम से, एक प्रोफेसर हल हुए हैं उन्होंने जो है इसको तूफानों की अवस्था का नाम दिया है कि इस अवस्था के अंदर क्या है बच्चे के अंदर जो दिमाग के अंदर बहुत सारे से एक संवेग आते हैं और वो तूफानों की तरह तेज होते हैं जिससे कि बच्चा क्या है सब चीज़ों का विरोध करने लगता है। इवन कि अगर हम उसकी बात को नहीं मानते हैं तो उसके माता पिता का भी विरोध करता है और टीचर के भी कई बार वो बच्चा जो है वो अगेंस्ट हो जाता है। तो इन अवस्थाओं का अगर हम ध्यान कर रखते हुए क्यूरिकुलम में उन्हीं चीज़ों को डालें जो उनकी आयु के अकॉर्डिंग उनकी जरूरतें हैं, उनका जो मेंटल लेवल है उस हिसाब से उन चीज़ों को समझ सके, मेंटल लेवल उनका उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो चुके हो सके, इस प्रकार का जो क्यूरिकुलम है हमने बच्चे को देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम की बात करते हैं। ये जो साइंटिफिक है ये देखिए अपने आप में कितना आधार है मेन, पहला हमारा था फिलोसफिकल, दूसरा हमने लिया साइकोलॉजिकल और तीसरा हमने लिया साइकोलॉजिकल और चौथा हमने लिया साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्यूरिकुलम। साइंटिफिक बेसिस ऑफ द क्यूरिकुलम के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जिन चीज़ों को हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकें ऐसी चीज़ों को हमने इसके अंदर शामिल करना है। और जो विज्ञान है, शिक्षा क्या है, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारी क्या है विज्ञान पर आधारित है, आईसीटी पर आधारित है। कोई भी शिक्षा का ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर वर्तमान के अंदर हम जो है आईसीटी का प्रयोग ना कर रहे हों। और पाठ्यक्रम का जो वैज्ञानिक आधार है, मान लो इसके अंदर ये चीज़ें भी अगर हम डालें कि मनोवैज्ञानिक आधार की हम बात करें, वैज्ञानिक आधार की हम बात करें, तो बालकों में क्या है जो विश्लेषण है, संश्लेषण है, जो तार्किक क्षमता है बच्चे की, ठीक है, और प्रत्येक तथ्य को जब हम किसी एक कसौटी पर रख करके उस तथ्य को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं, उसकी क्षमता का विकास करते हैं, तो पाठ्यक्रम केवल क्या है वो सैद्धांतिक भी नहीं होना चाहिए, तर्क के आधार पर हम उसको निष्कर्ष भी उसका निकाल सकें, मनन भी हम उस पर कर सकें, और साथ ही साथ क्या है उसका जो है व्यवहारिक रूप से भी जो है हम जीवन के अंदर उसको लेकर आए। जब व्यवहारिक रूप से हम पाठ्यक्रम के अंदर इन चीज़ों को लेकर के आते हैं तो जो जो काम हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर करते हैं, बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जिस काम से को हम करवाते हैं, तो उससे जो प्राप्त ज्ञान होगा वो क्या होगा, वो ज्ञान जो है वो थ्योरी के ज्ञान की तुलना में अधिक स्थायी ज्ञान होगा, उनके भविष्य के निर्माण में भी उनकी काफ़ी मदद वो करेगा। तो आज के युग को अगर हम देखा जाए तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है ज्ञान का हम कहते हैं कि एक तरह से विस्फोट हो रहा है कि जितना ज्ञान आज के समय में एक बच्चा कितना भी सीख सकता है, अगर वो सीखना चाहता है तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक समय था हमारे पास जब हमारे पास सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड था, हम जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से अध्यापक से ही पढ़ सकते थे, पुस्तकों से पढ़ सकते थे, लेकिन अब तो जो है आप अगर कहीं भी नहीं जाते हैं, अपने रूम में बैठे बैठे जो इंटरनेट का आजकल का जो जमाना है आईसीटी का, उसमें अगर आप अपने रूम के अंदर बैठकर भी देश विदेश की सभी जानकारियाँ ले सकते हो, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई भी जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि शिक्षा का जो ये टेक्नोलॉजी का जो ये सिस्टम नया आया है इसके अंतर्गत क्या है कि हमारा पढ़ना जो है वो बहुत अधिक आसान है हो गया है, और कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड को चुन सकता है और उसमें जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये जो साइंटिफिक बेसिस है क्यूरिकुलम,
क्यूरिकुलम का, ये भी क्यूरिकुलम को आगे बढ़ाने में, क्यूरिकुलम के एडवांसमेंट में बहुत अधिक योगदान दे रहा है। हर बच्चा अपनी एफिशिएंसी से अपने तरीके से ज्ञान को प्राप्त करे, ये जो है वो साइंटिफिक मेथड का एक मेन मोटिव रहता है। और बाल केंद्रित होने के साथ साथ शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वो क्रिया केंद्रित भी बनाई गई है कि किसी भी काम को बच्चा जो है वो रट करके याद ना करे। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर क्या है, बच्चा रटता रहता था और सिर्फ पुस्तकों के माध्यम से ही जो है वो पढ़ाई करता था, लेकिन जो लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है ये रटने पर बल नहीं देती है, ये प्रैक्टिकल काम को करने पर बल देती है। चाहे हम घर बैठे लैपटॉप से पढ़ें, चाहे हम फोन से पढ़ें, चाहे हम यूट्यूब से पढ़ें, चाहे हम जो है बुक्स से पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन हम जो है अपने ज्ञान को क्या है एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ें, ताकि जो उसका जो आधार है क्यूरिकुलम का वो वहाँ पर बेस के रूप में काम करे, ठीक है। और उसमें क्या है, ये कहता है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा क्या है, अनेक जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं प्रत्येक तथ्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सिखाने का प्रयास, और जो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी स्मृति के जो विकास है उसका एक क्रमबद्ध रूप जो है वो बच्चे के सामने रखते हैं, तो यहाँ पर भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चार आज मेन बेसिस जिनको लेकर के हम किसी भी क्यूरिकुलम को पढ़ाने की बात करते हैं, कि जो मेन आधार है क्यूरिकुलम का ये चार सिद्धांत हैं। हमने पहले जो मेनली है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम की बात की, कि जो हमारी फिलोसफी है, हमारा जो दर्शन है, वो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जिस प्रकार का किसी देश के अंदर दर्शन होगा, उस पर वहाँ की जो शिक्षा नीतियाँ होंगी वो उसी दर्शन से अवश्य ही प्रभावित रही होंगी। हमारे देश के अंदर जो है इन फिलोसफीज का बड़ा ही जो है मेन योगदान रहा हमारी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर, जिनमें से जो है हमने बहुत सी अच्छी बातें जो है हमारी जो आदर्शवादी विचारधारा है उनसे ली, उसके बाद हमने प्रकृतिवाद से भी बहुत अधिक चीज़ें जो है वो सीखने का प्रयास किया, और बहुत अधिक अच्छी जो चीज़ें हैं वो हमने अपने वर्तमान क्यूरिकुलम के अंदर भी डालने का प्रयास किया। आज की जो शिक्षण व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी जो है आदर्शवाद है, चाहे प्रकृतिवाद है, चाहे प्रयोगवाद है, यथार्थवाद है, हमने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है वो अपने क्यूरिकुलम के अंदर जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया के अंदर डाला है, क्यूरिकुलम के अंतर्गत डाला है। वहीं पर हम साथ ही साथ सोशियोलॉजिकल बेसिस की भी बात करें, कि जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार के समाज के अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो क्यूरिकुलम तैयार करना है। जैसे समाज की आवश्यकता है, जैसे देश की रिक्वायरमेंट है, जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्यूरिकुलम का आधार बनाया जाए। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस की, कि जिसमें क्या है हर एक अवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे की हमने जो है वो क्यूरिकुलम को तैयार करने का जो है यहाँ पर हम विचार करते हैं, कि बच्चे को जो है वो एज को ध्यान में रखते हुए, उसके मेंटल लेवल को, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उसको एक्टिविटीज करवाई जाए, मनन कार्य उसको करवाया जाए, ठीक है। साइकोलॉजिकल में भी मेनली जो है वो बच्चे की अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही और बच्चे की रुचि और अभिरुचियों के अकॉर्डिंग भी बच्चे को शिक्षण कार्य कराया जाए। उसके बाद हमने साइंटिफिक बेसिस को इसके अंतर्गत लिया, कि जो है वैज्ञानिक तरीके से क्यूरिकुलम को आगे जो है वो हम लागू करें, वैज्ञानिक तरीके से ही क्यूरिकुलम का हम निर्माण करें और उसको बच्चे को क्या है समझाने का प्रयास करें, ताकि बच्चा जो है वो जो ज्ञान के उद्देश्य की जो प्राप्ति है, जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है, उनको प्राप्त करने में क्या है बच्चा जो है वो समर्थ हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर इसमें बेसिस ऑफ क्यूरिकुलम में। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।